यहाँ पर ठीक तो हो गया ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए कि मैं एक भाई को अपने मैसेज देना चाहता हूँ, उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जितने भी फॉल्ट्स हैं ना तुम निकाल के रखो, मैं आ रहा हूँ। निकाल के रखो मैं आ रहा हूँ करने के लिए। सर टाइम ही नहीं मिल पाता है, हम लोग इतना हार्ड वर्क करवा रहे हैं ना सर, तो कॉल करके बोलूँ इससे अच्छा बोल देता हूँ लाइव में। अगर आप देख रहे हो ना फोन जितने भी है पूरे निकाल के रखो, आपको रजिस्टर भी नहीं मिलेगा। बहुत माइनर होते हैं रजिस्टर लगे होते हैं, जैसे इसमें देखो कुछ नहीं लगा, सीधा सीपी में कहा दोस्तों मेरा नाम देवता रखवाल है। भाई डिस्प्ले सेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज खड़े करके बताओ किस किस को आया, ईमानदारी से वोल्टेज के साथ। ठीक, ट्रैफिक सेक्शन बहुत ही टफ सेक्शन है, फिर भी सर इतना एक्सप्लेन करके इतना अच्छे से समझा दिए हैं कि अब वाइट डिस्प्ले, ब्लू डिस्प्ले, ब्लैंक डिस्प्ले कोई सा भी हो, यहाँ पे जितने भी लड़के हैं सब बहुत इजीली बना सकते हैं सर। और सर हम जो नए स्टूडेंट आना चाहते हैं उनके लिए बस एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि हार्डवेयर का अभी ऑलमोस्ट लास्ट हो गया है, जो मलाई खाने वाले ना अब खा रहे हैं, अगर आपको आना है तो अभी आइए। और सबसे अच्छी बात है कि अभी बिजनेस सबका स्लो है, तो अभी अगर एडमिशन करते हैं तो आप ठीक फरवरी मार्च तक आप एकदम पूरा परफेक्ट मैकेनिक हो जाएंगे, जब काम बिजनेस चलता रहेगा पर आप जाके काम कर सकते हैं। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? सर मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? हमारे साथ है 28 नवंबर की बैच। हो कि नहीं हुआ भाई? Yes, sir. आज हमारी इसकी क्लास थी हमारी ग्राफिक सेक्शन। यस सर। ग्राफिक सेक्शन में हमने कौन कौन सा सर्किट देखे? हमने PML, PMI, 15 बॉल की IC। सर ने कितने सेटों पे बताया आपको ईमानदारी से? उसके बाद आपको लाइव प्रैक्टिकल मिला कि नहीं मिला सर की क्लास में? क्लास के बाद जब आप यहाँ पर आए तो आपने लाइव प्रैक्टिकल करा? आपने अपने लाइव बोर्ड पे लिया? यस सर। यस सर। अर्शद आप बताइए। यस सर। आज सर जो सर ने जो बताया वहाँ पे ना कि ग्राफिक्स के अंदर कौन से सेक्शन रहते और कैसे किस तरह से वोल्टेज आते और CPU में से जो जो आते यानी जो आती है जैसे सेक्शन है CPU में से जो इन आउट जो होते हैं जो डिटेल मत बताओ। हाँ तो वो भी बताया सर ने। और यहाँ पर आने के बाद प्रैक्टिकल के अंदर हमने ऑन बोर्ड का ग्राफिक्स का जो IC था वो निकाला तो वापस से यानी इसके अंदर जो GR वोल्ट है वो सब डाटा शीट के अंदर लिखा है सर। संदीप यस सर क्या किया आपने आज प्रैक्टिकल की क्लास में? प्रैक्टिकल क्लास में लाइट्स लाइट सेक्शन को पूरा ड्रॉ अरे डिस्प्ले सेक्शन को पूरा ड्रॉ किया और समझा कि उसमें कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, इम्पोर्टेंस क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पर जाते हैं। जैसे कि कोई कंपोनेंट्स का जो ट्रैक होता है वो CPU में जाता है, अलग अलग जगह जाता है, तो सारा ड्रॉ करके डायग्राम बनाया पूरा। तो समझ के बनाया कि नहीं बनाया? समझ के ही बनाया सर। ठीक है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है इम्तियाज नाम है इनका। इम्तियाज क्या किया आपने अभी प्रैक्टिकल क्लास में? सर की आपकी क्लास कैसी रही है बताओ सबसे? हाँ देव सर की क्लास बहुत अच्छी थी सर। एक्चुअली ग्राफिक सेक्शन बहुत ही टफ सेक्शन है, फिर भी सर इतना एक्सप्लेन करके इतना अच्छे से समझा दिए हैं कि अब वाइट डिस्प्ले, ब्लू डिस्प्ले, ब्लैंक डिस्प्ले कोई सा भी हो, यहाँ पे जितने भी लड़के हैं सब बहुत इजीली बना सकते हैं सर। और सर हम जो नए
स्टूडेंट आना चाहते हैं उनके लिए बस एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि हार्डवेयर का अभी ऑलमोस्ट लास्ट हो गया है, जो मलाई खाने वाले ना आप खा रहे हैं, अगर आपको आना है तो अभी आइए। और सबसे अच्छी बात है कि अभी बिजनेस सबका स्लो है, तो अभी अगर एडमिशन करते हैं तो आप ठीक फरवरी मार्च तक आप एकदम पूरा परफेक्ट मैकेनिक हो जाएंगे, जब काम बिजनेस चलता रहेगा और आप जाके काम कर सकते हैं। तो ये डरते हैं ये लोग, मतलब जैसे जो और सबसे बड़ा चीज है तो ये थोड़ा इनको डर रहता है कि आप मतलब... अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आप सर भी वहाँ पे हमेशा मेरा नाम रहता है, आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट करिएगा, हमको गाली दे दीजिएगा अगर आपका रिव्यू खराब रहा है कि आपको पढ़ाई नहीं मिला, तो नहीं आप एकदम बेस्ट मैकेनिक बन के जा सकते हैं। कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या एक महीने में हम सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते। हम लोग अभी आज सातवां दिन है, हम लोग को लग रहा है कि जितना भी सेक्शन किया गया है उस सेक्शन में हम लोग पूरा मास्टर बन गए हैं, अब उस हम लोग के इलाके में हम लोग से अच्छा कोई भी काम नहीं कर सकता। अच्छा, ये गारंटी हम कभी दिन ऐसा होता है कि सेक्शन आपको समझ में नहीं आया और हम आगे बढ़ गए हूँ? हर दिन के लिए एक सेक्शन रखा है। अगर हम ये 30 दिन की बजाय हम ये क्लास को अगर 10 दिन की क्लास रखते तो संभव होता आपको पढ़ पाना? संभव होता एक दिन में 4 सेक्शन पढ़ सकते हो क्या आप? बताओ मेरे को, बिल्कुल 4 सेक्शन नहीं पढ़ सकते ना? नहीं सर। तो हर दिन के लिए एक सेक्शन होता है, तो आपको तरीका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब काम करने का तरीका सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे? एक दिन में पूरा एक सेक्शन को पूरा क्लियरली बताया जा रहा है, मतलब आज रिंगर है तो पूरा रिंगर कंप्लीट हो रहा है, ग्राफिक सेक्शन जैसे आज पूरा क्लियर हो गया, कल लाइट सेक्शन है, लाइट सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन फिर भी वो लोग एक दिन में सर कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो सर के पास पढ़ते पढ़ने के बाद इधर आते हैं इसका प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करने में लाइव हैंडसेट पे प्रैक्टिकल करते हो कि नहीं? और मैं करके देता हूं कि आप खुद करते? हम लोग सब खुद से करते हैं सर। आज पीएमआई का सर्किट खुद से ट्रेस किया तुमने? हां किया सर। कर दिया एक एक वोल्टेज मिला आपको? मिल गया सर। और मेरे साथ किसने किया यहां पर लाइव ट्रेस? किसने किया पूरे के पूरे वोल्टेज नापे उसने यहां पर? किसने किया यहां पर? हां थोड़ा आगे आइए बताइए। अभी लाइव सेट आपने आपके हाथ से आईसी निकाली? हाँ सर निकाली सर। निकालने के बाद क्या किया आपने? मैंने पूरा मतलब शुरू से लास्ट तक ट्रेसिंग कर दी। ट्रेसिंग करी तो आईसी की बोल जितनी भी थी तो उसके उसमें ट्रेसिंग करके उसमें मतलब कितने में एन आ रहा है, कितने सीपीयू से कितने कमांड आ रहे हैं, वो सारे मैंने ट्रेस किया लाइव। अभी आप टेक्निकल भाषा में बात कर रहे हो, कमांड EN, UPH, अब टेक्निकल बन गए, पहले दुकानदारी वाले थे ना, अब इंजीनियर वाला भाषा में बोल रहे हो, है ना? सर वेरी गुड वेरी गुड। बहुत मजा है सर लाइव प्रैक्टिकल में। लाइव प्रैक्टिकल में मजा, अपना खुद फोन का जो आईसी खोलते हैं ना सर, हाँ पहले तो फटती थी सर, हिम्मत आ रही है, हिम्मत आ गया कि मतलब अच्छा डर के काम हो सकता है क्या? नहीं जी सर। हो सकता है क्या डर के काम? नहीं सर। डर के काम नहीं हो सकता ना। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका दीप। दीप बताओ कैसा अनुभव रहा आज का ग्राफिक्स का आपका? सर ग्राफिक का अनुभव बहुत अच्छा रहा, कहने वाले कहते थे कि हाँ यार लाइट का सेक्शन पॉजिटिव और निगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव में भी कितने मतलब टाइप है, उनका कितना वोल्टेज होता है, कहाँ कहाँ वोल्टेज होता है, ये सब चीजें आज पढ़ी और समझी इसके बारे में। तो आपने अपने मोबाइल में लाइव हैंडसेट से आपने ग्राफिक्स आईसी निकाली और डबल से लगाई कि नहीं लगाई? ये सर लगाया, एक नहीं तीन बार लगाए, अलग अलग सेटों में लगाया। अलग अलग सेटों में लगाया, वेरी गुड। सर और एक चीज बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए सर। कल रात का देखिए देव सर, हम लोग को ये है 2:13 AM, मतलब रात को हम लोग वॉइस मैसेज में पढ़ाई किए हैं कि हम लोग का एक सेक्शन में प्रॉब्लम हो गया था, वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग का जो होमवर्क था वो सर हम लोग को रात को 2:13 तक हम लोग को पढ़ाएं समझाएं वॉइस रिकॉर्ड में। ये भाई सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। यस सर। आज कहीं नहीं हो सकता। कौन कौन था रात को इतनी बजे 2:30 रात तक कौन कौन था? डिस्टर्ब करने वाले हम ही थे सर। तो ये ऐसा कहाँ पे संभव है, मतलब इतनी पढ़ाई कहाँ पे संभव है? मतलब ये खाली फीस लेने के बाद आपको भूल जाते हैं कि मतलब पढ़ाते हैं आप? पढ़ाते हैं सर। कोई भी बच्चे को हम पीछे रहने देते हैं क्या? नहीं। और हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आज क्या किया आपने? सर आज पूरा डिस्प्ले सेक्शन हमने समझा कैसा है क्या है, और सर ने जैसा बता के भेजा था कि अगर ये नहीं आएगा तो आप इस सेक्शन में काम करेंगे, आईसी ये रहेगी आपकी, तो सिंपली वैसा ही हुआ हमारे साथ में। प्रैक्टिकली हम आए तो हमको वोल्टेजेस नहीं मिल रहे थे, सर ने बता रखा था, इसके लिए हमको पता था क्या करना है, हमने सीपीयू रिवॉल्व किया तो सारे जीआर हमको परफेक्टली मिल गए, और एक एक चीज़ को सबने
समझ के क्या दिक्कत आ रही थी जो आप पीसीबी ट्रेस कर रहे थे उसमें क्या दिक्कत थी? जीआर नहीं आ रहा था सर। जीआर नहीं आ रहा था कहां पे? नहीं आ रहा था मीपी की लाइन में। जीआर मीपी की लाइन पे जीआर नहीं आ रहा था वो डायरेक्ट उसका कोई सलूशन नहीं। मीपी की लाइन कहां से कनेक्ट होती है भाई? जरा सबको मालूम है उसका कोई सलूशन नहीं था कहीं से भी। उसकी लाइन नहीं है डायरेक्ट सीपीयू से ही रहती है। ठीक है सर ने जैसा बताया था तो मुझे याद था मैंने रिवॉल्व किया। अल्हम्दुलिल्लाह सारी लाइंस पे जो है अपना जीआर मिल गया और क्लियर ली। और कल मैं मतलब एकदम शॉक हो गया था कि सर ने हम लोग को होमवर्क दिया था और नहीं समझ रहा था तो एक मैसेज गया और सर एक्टिव थे। देव सर जो है हमारे एक्टिव थे और उसी तुरंत उनका 5 मिनट में ही रिप्लाई आ गया कि क्या नहीं समझ में आ रहा है बोलो। तो उसी टाइम उन्होंने क्लास स्टार्ट कर दी। अच्छा सब लोग मैं सेक्शन कौन से था? सब सेक्शन था सर हमारा वो कल ऑडियो सेक्शन था। ऑडियो सेक्शन में स्मार्ट पीए का हम लोगों को डाटा शीट बनाने का था। उसमें एक बंदा फंस रहा था अभी पूरी गोली की तरह पूरी में घुसी। बताया ना उन्होंने अभी हमारे एक भाई ने कि आईसी निकालने में क्या होता था वही हाल था। लेकिन सर पीछे खड़े थे। सर ने बोला आज हमारे सर है एक नाम नहीं याद आ रहा तो कि तुम निकालो डेड होगा ना मैं पीछे खड़ा हूँ मैं हूँ तुम्हारे साथ जो कि होगा नहीं लेकिन अगर हुआ तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। ये तो चीज तो बहुत अच्छी है क्या भाई काम करना है नहीं, 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 नहीं। कोई सा भी अभी 4G CPU अगर आपका लेट जाता है या हिट पड़ने पे हो जाता है तो आप डबल से बना सकते हो कि नहीं बना सकते? किसी को डर हेजिटेशन या किसी नाम की चीज है क्या? है ना बिल्कुल। चौथे दिन सीपीयू लगाया ना आपने सबने 4G सीपीयू अभी लगाने का बोलेंगे तो नहीं बनेगा क्या? लगेगा ना। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है थोड़ा आगे आइए। हरियाणा से है स्टूडेंट। कर्नाटका से हाँ कैसा रहा क्लास आपका? अच्छा रहा। समझ में आया सब चीज? समझ में आया। अभी ग्राफिक समझ में आ गया वोल्टेज किधर से आता किधर को जाता समझ में आ गया? चलिए ठीक है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है नाम इनका विजय। काफी हसमुख है ये जी। थोड़ा शर्माते हैं कैमरे पे आने पे मतलब लाइव भैया घर वाले देख रहे हैं तुम्हारा भाई भी देख रहा है क्या बोलोगे? बहुत अच्छा सबसे बेस्ट एशिया टेलीकॉम जी सर। बाकी अभी जो काम कर रहे हैं तुमको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जी बिल्कुल आ रहा। मतलब डे बाय डे आपको कोई सेक्शन अगर होता है तो वो मिस होता है कि मतलब आपको हर दिन में हर एक सेक्शन क्लियर हो जाता है? क्लियर हो जाता है जी। ठीक है हमारे साथ एक और स्टूडेंट है नाम है इनका क्या नाम है इनका? विजय। विजय विक्की। विक्की क्या अनुभव रहा आज का आपका? बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा सर ने बहुत तरह से बताया और आके टेस्ट भी किया हम लोगों ने और सारी फॉल्टें मिल गई। प्रैक्टिकल मिला आपको? जी प्रैक्टिकल आपने आपके लाइव बोर्ड पे करा? जी रिजल्ट मिला आपको? बिल्कुल जो जितनी चीजें बताई जितने वोल्टेज बताए उतने मिले आपको? नहीं उतना मिला जितना सर ने बताया। ठीक है हमारे साथ एक और स्टूडेंट है नाम है इनका पप्पू। बताइए पप्पू कैसा अनुभव रहा आज का? अनुभव सर अच्छा रहा। यस सर है ना। ये भाई इनको थोड़ी आपकी जानकारी देता हूँ ये मोबाइल के अलावा ये लैपटॉप की लाइन से भी थे तो इनको लाइनों का काफ़ी अच्छा नॉलेज है काफ़ी अच्छा अनुभव है। लाइनों को समझाने का काम टाइम नहीं लगता इनको 2 मिनट में समझ जाते हैं। सर का जो है ना 100 में से 1 पॉइंट बनाते हैं और समझाते हैं दिमाग में जो है एडजस्ट हो जाता है दिमाग में बैठता है एकदम। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है नाम है इनका चित्रंजन। चित्रंजन कैसा रहा क्लास आपको? बहुत अच्छा रहा सर। समझ में आया भाई? हाँ सर समझ में आया। एक एक चीज़ क्लियर है? क्लियर है सर। सर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मैं एक भाई को अपने मैसेज देना चाहता हूँ उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जितने भी फॉल्ट्स हैं ना तुम निकाल के रखो मैं आ रहा हूँ करने के लिए। सर टाइम ही नहीं मिल पाता है हम लोग इतना हार्डवर्क करवा रहे हैं ना सर तो कॉल करके बोलूँ इससे अच्छा बोल देता हूँ लाइव में अगर आप देख रहे हो ना फोन जितने भी है पूरे निकाल के रखो कस्टमर से लेके रखो टाइम लेके आ रहा हूँ मैं आके बनाऊँ क्या बात चलो ठीक है। चलो और कुछ बोलना चाहेंगे आप आज की क्लास के बारे में? बोलिए। बहुत अच्छा अभी जैसे पहले दिन हमें बोला गया था कि आप जब बोर्ड देखोगे तो देखने का नजरिया बदल जाएगा तो अभी बदला कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? मतलब एक आंख बंद करके अगर ग्राफिक्स आईसी देखोगे तो पहचानोगे कि नहीं भैया? अगर ऑडियो आईसी अपन आप दूर से देख के बता दोगे कि नहीं बता दोगे? स्मार्ट भी है देख के बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हैं कोई अगर 9 बाल की जगह हमको 14 बाल का अगर रिंगर आईसी आ गया तो हमको कोई समस्या आएगी क्या? 16 बाल आ गया तो समस्या आएगी क्या? 36 बाल आया तो समस्या होगी क्या? 42 बाल आया तो समस्या होगी क्या? है ना हमारे पास ऐसी ट्रिक आ गई हमको 2 जगह वोल्टेज चेक करने हैं 2 जगह के अगर वोल्टेज नहीं मिलते आईसी रिप्लेस करना है आईसी रिप्लेस करके हमारा काम करने का तो हम लोग चुटकी में बना देंगे चुटकी में बनाएंगे। ठीक है
ओके, ऑल द बेस्ट। कल आपका लाइट सेक्शन है, इसी समय इसी वक्त मिलेंगे, सब आपके साथ मिलेंगे लाइट सेक्शन कंप्लीट करते हुए। क्या कर रहे हैं आप? डिस्प्ले कनेक्टर की ट्रेसिंग सर। डिस्प्ले कनेक्टर की ट्रेसिंग कर रहे हैं। आज किसकी क्लास थी आज हमारी? आज डिस्प्ले कनेक्टर सेक्शन पूरा। डिस्प्ले ग्राफिक्स की क्लास थी। तो ओवरऑल कैसी रही थी सर की क्लास आज आपकी? डिस्प्ले तो जो सर ने पढ़ाया वो आपको प्रैक्टिकली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। सभी ड्राइंग करेंगे, मिल रहा है ना? तो अभी आप दिखाइए अपना डायग्राम, दिखाइए जो आप बना रहे हैं। तो अभी चालू किया है सर। यहाँ पे कितना कनेक्टर पे हमारा कितना वोल्टेज आना चाहिए, प्लस फाइव माइनस फाइव 1.8 कितना आना चाहिए, ग्राफिक्स आई सी पहचान जाएंगे अभी आप? पहचानेंगे। तो उसको ट्रेसिंग अभी अपने क्या कर रहे हैं, इसमें क्या क्या किया अभी आपने? अभी कुछ किया नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए, पर अभी कर देंगे थोड़ी देर में। चलिए कम्प्लीट करिए उसको। चलिए, आज किस चीज़ की क्लास थी आज हमारी? सर आज डिस्प्ले ग्राफिक्स की आई सी थी। डिस्प्ले ग्राफिक्स की थी। तो अभी आप ये क्या कर रहे हैं बताइए? सर ये ग्राफिक आईसी निकाल के पैड पे चेक कर रहे हैं। ओके, तो ये आपने इसका कुछ बनाया है? हाँ सर, ये डिस्प्ले के चार्जिंग केबल देना है। क्या क्या लगा उसका? ये मिपी की लाइन कहाँ से आती है? सर ये सीपीयू से आती है। सीपीयू से आती है, सारा चीज़ आपने लिखा हुआ है जैसा कि आपको मैं बता दूँ यहाँ पे। तो ओवरऑल और क्या बोलना चाहेंगे आप, आज की क्लास कैसी रही? सर देख के पता चल गया डिस्प्ले कनेक्टर पे क्या क्या काम करते हैं, कौन से कंपोनेंट हैं और कहाँ से क्या क्या वोल्टेज बनाते हैं और क्या काम आते हैं, क्या वोल्टेज आती है, ग्राफिक्स आईसी क्या होती है, कौन सा सर्किट क्या लगा हुआ है, देख करके पहचान जाएंगे अभी आप। अगर ग्राफिक्स आईसी नहीं है तो अगर मैं आपसे बात करूँ पीएम या पीएमआई किस में होगी? पीएमआई में होगी। वेरी गुड, पीएमआई में होगी। ये सारा चीज़ आपको बताया गया? सर बताया गया सर। कैसी रही ओवरऑल आते हो सर की क्लास? बहुत अच्छी रही सर। समझ में आया सारा कुछ? प्रैक्टिकल देखने को मिला कि नहीं मिला? सर प्रैक्टिकल देखने को मिला। अभी हम कोई भी जैसे प्रैक्टिकल आप कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल मिल रहा है? हाँ सर मिल रहा है, जो चीज़ें बताई ये ऑन फोन था इसमें सब जगह पे जो जीआर मिलना चाहिए था वो सब जगह पे मिला हुआ। ओके, बॉल निकाल के पैड चेक करते हैं। ओके ओके, चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हो अभी? अभी ग्राफिक्स आईसी का ड्राइंग कर रहा हूँ। कौन सा मॉडल है ये? 4X का। वही 4X का है। तो ये आपकी ग्राफिक्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है? अभी कंप्लीट नहीं हुआ। चालू फोन था, ऑन बोर्ड था वो? ऑन बोर्ड है। तो उसमें आपने वोल्टेज प्लस फाइव माइनस फाइव और 1.8 चेक किया आपने? ये मैं चेक कर रहा हूँ। चेक कर रहे हैं अभी आप? चलिए करिए, थोड़ा लाइव करिए। बोर्ड कहाँ है अभी आपका? ओके चलिए ठीक है, उसको फाइनली चेक करिए। कैसी रही सर की क्लास? बहुत अच्छी रही। समझ में आ रही सारी चीज़ें? बिल्कुल समझ में आ रही। चलिए ठीक है। आप क्या कर रहे हो अभी? ग्राफिक आईसी चेक कर रहे हैं सर। अपना डायग्राम दिखाइए सर। ये अभी बनाया आपने? जी सर। कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए सब कुछ आपने देखा? 1.8 कितना आना चाहिए, 4 वोल्ट कहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए सर सब कुछ आपको ये प्रैक्टिकल तौर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कैसी रही आज आपकी ग्राफिक सेशन की क्लास? कैसी रही ग्राफिक्स? बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा मींस जो भी आपने देखा यहाँ पे अब जो फॉल्ट आ रहे थे सब लाइव मिल रहा है सर? लाइव मिल रहा है, जो पढ़ाया गया वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए। ग्राफिक्स सेक्शन पे ट्रेस कर रहे हैं? जी सर। ठीक है कंटिन्यू करिए।
क्या कर रहे हैं अभी आप? ग्राफिक सेक्शन का ग्लोब डायग्राम बना देते हैं। तो आज हमारी डिस्प्ले ग्राफिक्स क्लास थी, अभी हमारा डिस्प्ले सेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि डिस्प्ले में ग्राफिक्स और लाइट दोनों होती है। तो इधर देखिएगा, तो ओवरऑल कैसी रही आज आपकी ग्राफिक्स सेक्शन की क्लास? बहुत अच्छी रही। अगर आपके पास कोई सा भी मॉडल का फोन आता है, ऐसा नहीं कि केवल MI या सैमसंग या वीवो, कोई भी मॉडल का फोन आता है तो सबसे पहले आप कौन से कितने वोल्टेज चेक करेंगे? 4 वोल्ट। ये आप कहाँ पे चेक करेंगे, ग्राफिक्स IC पे कि कनेक्टर पे? कनेक्टर पे कितने वोल्टेज चेक करेंगे? कनेक्टर पे 1.8। वेरी गुड। और कौन कौन से वोल्टेज चेक करेंगे आप? 1.8 के तीन लाइन आएंगे। ओके, और 1.8 के तीन नहीं, चार लाइन है जो CPU से आते हैं। ओके, DTH की लाइन 4 वोल्ट आएगी। ओके, और आपका +5 -5 भी होना चाहिए? +5 -5 भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताई गई आपको? बताई। कैसी रही डिस्प्ले ग्राफिक्स क्लास? बहुत अच्छी। समझ में आ रही सारी चीज़ें? प्रैक्टिकल में समझ में आ रहा है? आ रहा है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसका, MIPI की लाइन। ओके, ये CPU से कितना देता है डिस्प्ले कनेक्टर में, कितना वोल्टेज आता है, कितना फ्रीक्वेंसी देता है। ओके, ये सारा चीज़ समझ के कर रहे हैं कि? जी बिल्कुल। तो ओवरऑल कैसी रही आज देव सर की क्लास? जबरदस्त। मतलब कहीं फंस रहे थे आप ग्राफिक्स में? हाँ, ग्राफिक्स में फंस रहे थे लेकिन सर ने पूरा क्लियर कर दिया है। पूरा क्लियर कर दिया है। हर एक सर्किट को बताया कि केवल एक दो सर्किट को बताया? हर एक सर्किट को, आप किसी भी बोर्ड में हम ट्रेसिंग कर सकते हैं। ग्राफिक्स IC अगर लगी है तो देख करके बता पाएंगे? हाँ, कहाँ पे ग्राफिक्स IC लगी है? और अगर ग्राफिक्स IC नहीं लगी है तो हमारा PMI या PML या PM किस में होगा? ग्राफिक्स, अगर हमारा ग्राफिक्स IC नहीं लगी है, सर्किट है PML और PM और PMI का है, मेन PM में होगा? PMI में होगा। तो सारा चीज़ आप अभी, क्योंकि अभी सडनली क्लास हुई है सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आपने जो देखा तो आप ये पहचान के कर रहे हैं? चलिए ठीक है। कौन सा सर्किट है ये? PM वाला। चलिए, तो अभी आप क्या कर रहे हो? ग्राफिक्स IC सारी बना। कौन सा मॉडल है आपका ये? MI 3S। कौन सा सर्किट लगा हुआ है इसमें? इसमें सर्किट लगा हुआ है कॉलकॉम का लगा है। इसमें PMI है कि ग्राफिक्स IC है? ग्राफिक्स IC लगी है सर। कहाँ पे लगी है? अभी आप जो बना रहे हैं, अभी आपने कहाँ तक ट्रेसिंग किया, दिखाइए इधर। इसमें PMI का सर्किट है? ग्राफिक्स IC लगी है सर। अरे सॉरी, ये नहीं, दूसरा बोर्ड। ये 5A का है? हाँ। कहाँ पे लगी ग्राफिक्स IC बताइए? अच्छे से देखिए, माइक्रोस्कोप में देखिए, लाइव है मैं। कहाँ पे लगी ग्राफिक्स IC? पहचान पा रहे हैं? बहुत देर में पहचाना, पर आपने, मैं लाइव है मैं आपने, जैसा कि आप देख सकते हो। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास देव सर की आज? बढ़िया सर। समझ में आ रही सारी चीज़ें? सर, सर। तो ये जो आप प्रेसिंग कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं कि ऐसे ही कर रहे? नहीं नहीं, समझ के कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आज किसकी क्लास थी आज हमारी? डिस्प्ले ग्राफिक्स। तो अभी आप क्या कर रहे हो? वो ट्रेस कर रहे हैं सर। ट्रेस कर रहे हैं। कौन सा सर्किट लगा इसमें? कॉलकॉम का CPU है। सर्किट क्या है? ग्राफिक्स IC लगी है कि PMI PML किसमें? ग्राफिक्स पहचान पा रहे हैं अभी आप? कितना वोल्टेज कहाँ से आना चाहिए सब कुछ पता है अभी आपको? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? डायग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन की जो हमारी आज क्लास हुई है, तो बेसिकली हमें कितना 1.8 और कितना 4 वोल्ट और कितना हमें वोल्टेज मिलना चाहिए दो में सर? वो ठीक है, अब आपको पता है कि नहीं पता है सारी चीज़ें? चलिए, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइव प्रेसिंग कर रहे हैं। तो जो आज सर ने पढ़ा है वो प्रैक्टिकल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ, क्या कर रहे हैं अभी आप? सप्लाई चेक कर रहे हैं। ग्राफिक्स IC में मोस्टली कितने वोल्टेज हमें पता करने चाहिए? ओके, और हमारा कौन सा वोल्टेज चेक करना चाहिए? 1.8 और 4 वोल्ट ही होता है सर। दिखाइए सर्किट, दिखाइए अपना डायग्राम, दिखाइए। ये आपने अभी बनाया? जी सर।
कनेक्टर का है और इसके अंदर जो तीनों बेस होते हैं कनेक्टर ग्राफिक आईसी और जो लास्ट स्टेज और एंड स्टेज होता है सब समझ में आ रही है। कैसी रही दोस्तों की क्लास? सर बढ़िया बढ़िया रही, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, आवाज़ क्यों रहा इतना? चलिए इधर देखिए, आज किस चीज़ की क्लास थी आज हमारी? देव सर की थी, बट उसमें आज किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन था? आज हम लोग का ग्राफिक सेक्शन में काम हो रहा, ग्राफिक सेक्शन में काम हो रहा था। तो ओवरऑल ग्राफिक सेक्शन कैसी रही आज आपकी क्लास? ग्राफिक सेक्शन बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया। मीन्स कहाँ पे फंस रहे थे आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं फंस रहे थे, और सर बहुत सारा मॉडल में दिखाए तो जो भी थोड़ा बहुत डाउट था वो सारा क्लियर हो गया। सर 15 के आसपास सेट में, अलग अलग सेट में दिखाएं, फिर एक सेट से तो पूरा खोल करके आईसी खोल करके इसमें कितना वोल्टेज आएगा सब कुछ दिखाएं, तो जितना भी मैंने डाउट था पहले वो सारा क्लियर हो गया। तो ओवरऑल अभी आप जब प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपने थोड़ा एक्सप्लेन करिए क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो सर ये फ़ोन पूरा ख़राब था, इसको पहले निकाले, इसको रिबोल करके डाले, उसके बाद फिर यहाँ पे ग्राफिक्स आईसी था, उससे हम पूरा सर्किट बनाए, पूरा मतलब बोर्ड शॉर्ट था, उसके बाद भी मैं लगभग ऑलमोस्ट सब हो गया सर इसका। तो कैसे रही ओवरऑल आज का सेक्शन? बहुत बढ़िया था, समझ में आया सारी चीज़ें? सब कुछ समझ में। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? क्लीन कर रहे हैं। किस सेक्शन पे काम कर रहे हैं? ग्राफिक्स। ग्राफिक्स ऐसी पहचान में आ रही है अभी आपको? ये आपने जो बनाया हुआ है ये मीपी की लाइन और सारी चीज़ें समझ में आ रही सारी आपको? अगर आपको फाइनली अगर बात की जाए कि अगर यहाँ पे ग्राफिक्स हमारा नहीं आ रहा है तो ट्रेस कर पाएंगे भी आप? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं आप? आईसी लगा रहा हूँ, ग्राफिक वाला। ग्राफिक्स आईसी लगा रहे हैं? यस सर। ग्राफिक्स आईसी निकाला था तो क्या क्या चेक किया बताइए? इसमें जीएस चेक किया और वोल्टेज चेक किया, कितना वोल्टेज का कौन से कार्ड पे कितना आना चाहिए सही आ रहा है, और सीपीयू से कितना जीआर आना चाहिए सही। ये सारा चीज़ चेक किया आपने? सर ने जो पढ़ाया था ग्राफिक्स आईसी में वो एक्चुअल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल सर मिल रहा है, और ग्राफिक आईसी तो मोमेंट में पहचान लेंगे कौन से है, और सारे ईएम सिग्नल वगैरह कौन से पैड पर कितना वोल्टेज आना चाहिए, और कोयल लगी हुई है तो सब कुछ पहचान में आ रहा है। तो कैसा लग रहा है अभी तक की क्लास? बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? बिल्कुल सर, पहले तो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता था, अब तो बहुत ईजी है, 2 मिनट में आ जाएगा। चलिए फाइंड आउट कर पाएंगे अभी आप? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? तो ये क्या बना रहे हैं थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ये सर ग्राफिक एसी का बॉल्स के हैं, ग्राफिक एसी की बॉल्स होती है। ऑन बोर्ड है ये? ये सर ऑन बोर्ड है। तो इसमें आपने वोल्टेज चेक किया? ये सर वोल्टेज आ रहे हैं? जी सर। कितने वोल्टेज चेक किया आपने? 4 वोल्ट आपका 1.8 और ये ग्राफिक्स आईसी के पास चेक किया? +5 और -5, ये सारा कुछ मिल रहा है। यस सर। तो यही होता है, एंडलेस सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? एंडलेस यही है, यही है ना, एंडलेस यही है, एंडलेस यही सारा कुछ बताया गया, कहाँ से हमारी इंटरप्रेट की लाइन, कहाँ से हमारी रिसेट की लाइन, कहाँ से हमारी सारा कुछ ये बताया गया प्रैक्टिकली, मीपी की लाइन सब कुछ, मीपी की लाइन सब कुछ प्रैक्टिकल। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर आईसी निकाल के वोल्टेज वगैरह चेक किए हैं, दोबारा रिबॉल्व के लगा। कौन से आईसी लगा निकाले थे आपने? ग्राफिक आईसी। पहचान गए थे? जी बिल्कुल। पहचानने में कोई दिक्कत? ना ना कोई दिक्कत नहीं। अभी तक ओवरऑल कैसी रही क्लास? बिल्कुल बहुत। देव सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं और सब समझ में आता है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो क्या कर रहे हैं अभी आप? ग्राफिक्स आईसी। ग्राफिक्स आईसी पे किया काम, तो दिखाइए अपना नोट जो अभी आपने बनाया था, और ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। जी सर आईसी निकाले, ओके, उसके बाद जीआर चेक करें, ओके, और ज़्यादा जीआर आए तो वहाँ पे जीआर लिख दिए, ओके, अभी ज़्यादा वोल्टेज आते हैं। अब कभी भी ये मॉडल अगर फॉल्ट आता है तो फटाक से ये चीज़ आप ली, इसको जो आपने डायग्राम बनाया हुआ है देख करके आप इसको पर्टिकुलर कर सकते हैं, कहाँ पे हमारा जीआर ओएल आना चाहिए, कहाँ पे हमारा वोल्टेज आना चाहिए, अगर ये नहीं आता है तो सीधा हम काम आईसीयू पे कर सकते हैं एंडलेस। तो कैसे रही आज की क्लास? समझ में आई सारी चीज़ें? चलिए ठीक है, प्रैक्टिकल करने में मिल रहा है वोल्टेज आपने देखे थे? अच्छा ठीक है, अभी फाइनल करना है। ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सर फोन में से इस पे जीएन अपना जीआर नहीं आ रहा था, ओके, सीपीयू निकाल के लिए बॉक्स लगाए हैं, सप्लाईज फाइंड कर लिए हैं, बस उसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना है। तो कैसे रही ओवरऑल आज ग्राफिक्स सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन की क्लास आज हमारी? बहुत सही रही, यहाँ पे मुझे जीआर नहीं आ रहा था तो मुझे पता चल गया कि मीपी की लाइन, कौन सी लाइन मिस थी जिसमें आपने सीपीयू रिवॉल्व किया? मीपी की लाइन मिस थी तो मुझे पता था कि वो सीपीयू से आ रही है। तो एंडलेस सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला?
तो ओवरऑल अभी डिस्प्ले का पूरा कंसेप्ट अपना क्लियर नहीं हुआ है। अभी हमारा कल लाइट सेक्शन भी है, तो जब डिस्प्ले और ग्राफिक्स दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा डिस्प्ले सेक्शन कंप्लीट होगा बेसिकली। तो फिलहाल अभी कैसा लग रहा है ग्राफिक्स सेक्शन? अच्छा सर, आके फाइंड करने लगा हूँ, सॉल्यूशन निकालने लगा हूँ। ओके, निकलेगा तो ये बेसिकली अगर हम बात करें इसमें हमें वोल्टेजों की जानकारी, हमें वहाँ पे कितना जी आर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सब कुछ पता चला यहाँ पे? हाँ सर, वोल्टेजेस कैसे आने चाहिए, किस पे आने चाहिए, एवरीथिंग। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हो अभी आप? ये जो आपने डायग्राम बनाया हुआ है थोड़ा एक्सप्लेन करिए, तो क्या क्या आपने बनाया है? उससे बैटरी पॉइंट है। ओके, वी बैटरी है। हाँ ठीक है, 010 में रजिस्टर लगा। ओके, ये सब कुछ आपने ट्रेस करके बनाया? हाँ सर। ओके, फिर डीसी टू डीसी एसबी की। ओके, ये चौथा है। ओके, और ये एक बूस्ट कॉइल है। ओके, बूस्ट कॉइल ये जी आर आता है 316 वैल्यू अपने यहाँ 316। ओके, जी आर, और ये जाता है सीधा ग्राफिक आईसी में। ओके, ग्राफिक आईसी, तो ग्राफिक्स आईसी भी आप पहचान जाएंगे? हाँ सर। ओके ठीक है, आगे मतलब ओवरऑल चलिए ठीक है, जो आपने बनाया ये समझ करके बनाया आपने? समझ करके सर। तो कैसी रही जो आपने जितना अच्छा आपने डायग्राम यहाँ पे आपने जो बनाया हुआ है, कहीं देख के तो नहीं उतार दिया आपने? नहीं सर, आपने उसको फाइनली ट्रेस करके बनाया, सारी लाइनों को ट्रेस करना, वोल्टेज भी चेक किया? हाँ सर। चलिए ठीक, कैसे रही, कैसे लग रहा है अभी आपको? ट्रेस कर पा रहे हैं कैसा, मतलब फील कैसा हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। चलिए ठीक है, दूसरे को अगर आप समझा पाएंगे? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करें। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर मैंने अभी जो डिस्प्ले कनेक्टर से जितना भी कंपोनेंट है उसकी जी आर की वोल्टेज मतलब सारा चेक कर लिया, और उसके बाद में आईसी उतार दिया, और उसकी जो कितने वोल्ट मिल रहे हैं, कितने ईएन मिल रहे हैं, सीपीयू से कितने आ रहे हैं, ये सब अभी मैं चेक कर रहा हूँ। चेक करके उतार भी दिया, फिर अब इसको मैंने फिर एक बार उसकी एक डायग्राम फोन को जैसे पहले से दूंगा। ओके, अभी आपने निकाला था, लाइव प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लाइव प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अभी आपने वोल्टेज आप खुद चेक कर रहे थे, तो सारी वोल्टेज आपने ही चेक किया किसी और ने? मैंने ही चेक किया सर। तो वोल्टेज मिल रहा है प्रॉपर जो पढ़ाया गया, सारे कुछ मिल रहा है? कैसा लग रहा है ओवरऑल क्लास? ओवरऑल सर बहुत बढ़िया सर, अभी जैसे हमारा दिन बढ़ रहा हम ज्यादा समझ में आ रही सारी चीजें। शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, लेकिन धीरे 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 धीरे। हाँ सर, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? ट्रेसिंग कर रहे हैं। ग्राफिक सेक्शन समझ में आ रहा है? कहाँ पे हमें कितना वोल्टेज ईएन जो आपने लिखा हुआ है सारा कुछ समझ के लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? समझ के। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हमेशा लाइव में आते हैं, एंड में आप ही फंसते हैं, और अच्छा लगता है एंड का लाइव। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए आपने जो बनाया हुआ है। सब अपना ट्रेसिंग करके खुद बनाए हैं, ट्रेसिंग करके खुद से बनाए? तो ये समझ करके बनाया आपने कि नहीं, नहीं, ऐसे ही आपने कैसे उतार दिया? कोई भी चीज का जो है ग्राफिक्स हो चाहे ऑडियो आईसी हो जी, जी उसके लिए कम से कम वोल्टेज प्रॉपर होना चाहिए जी, जी सबसे फास्ट जी जी। तो वोल्टेजों का नॉलेज सब प्रैक्टिकल तौर से मिला, फिर उसको कमांड देने के लिए एन सिग्नल होना चाहिए, वेरी गुड, और उसके बाद फिर असली सीएमडी होना चाहिए, वेरी गुड। आईसी को ठंडा करने के लिए उसका जो है उस पे अभी तो ओपन नहीं करेंगे, ऐसा कैपेसिटर है कि जो कि उसका साइलेंसर हम नाम रखे हुए शॉर्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सारा चीज आपको विद प्रैक्टिकल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो जो उसमें भी फ्रिक्वेंसी आता है वो जो है सो सीरीज में लगा हुआ रहता है कैपेसिटर। ओके, जो कि हम अभी ओपन नहीं कर सकते। तो ये जो सप्लाई का नॉलेज जो आप बता रहे हैं, तो ये आपको डीप नॉलेज में मिला तब तो आप बता पा रहे हैं जी जी। तो कैसा रहा ओवरऑल क्लास? पढ़ाने की जलवा अलग सर, वहाँ बताते हैं। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो आपका क्या चल रहा है अभी? मेरा सर डिस्प्ले ग्राफिक्स आईसी का सेक्शन चल रहा है। तो आप ट्रेस कर पा रहे हैं अभी? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो गाइस आज की जो हमारी क्लास थी वो थी हमारी डिस्प्ले ग्राफिक्स के ऊपर। कल हमारा लाइट होगा, तो जैसा कि ओवरऑल हमने आपको दिखाया यहाँ पे सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ग्राफिक्स आईसी हो चाहे वो पीएमआई का सर्किट हो, जो भी सर्किट है यहाँ पे लाइव जैसा कि आपने हमने यहाँ पे आउटपुट दिखाया। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे कल लाइट सेक्शन। थैंक यू। क्या सर? मैं लाइव पावर आईसी किया, सीपीओ किया। जब सीपीओ किया तो एक अंदर आए मतलब? सर हाँ सर, एकदम बढ़िया है, इन्हें सीपीओ करवा दिया, ये तो है मतलब? हाँ सर। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे तो एकदम बढ़िया सा काम किया, डबल लेकर। यहाँ पे क्या क्या किया? लाइव सीपीओ और पावर आई, पावर आई सी, और बाद में अब ये लास्ट दिन क्या करके गए? डबल डे, डबल डे का आपने किया जी सर। हाँ सर, डिसिप्लिन सब चीज़ है सर, यहाँ पे जो होनी चाहिए इंस्टीट्यूट में, जो सीखने के लायक जो चीज़ होनी चाहिए सब चीज़ अवेलेबल है।
लाइव क्या किया आपने? या सर लाइव मैंने सीपीयू लगाया, पावर आईसी लगाया। आखिर दिन क्या किया? डबल डेकर। क्या हमने आपको बताया कि बोर्नियो कितना मतलब कितना बोर्नियो गलत है? हाँ सर, कि बोर्नियो ने आधा दूरा कान दे। हाँ सर, क्योंकि बना रहे हमारे जैसे ही लड़के। वो भी बताए थे कि नहीं बताए थे? आप स्टूडेंट आते हैं कि नहीं सिखाते सर? यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जी जिसने पीसीबी पे कोई भी कंपोनेंट छोड़ा हो। बिल्कुल। हाँ। कनेक्टर से लेके कंपोनेंट से लेके लास्ट क्या करके गया आप? सर डबल डेकर किया था। मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में अच्छे से सीखना है तो एशियन टेलीकॉम में आया। आपने कभी आईसी पे काम किया था? कभी नहीं। यहाँ पे लाइव क्या किया आपने? लाइव सीपीयू भी लगा, आईसी पे भी लाइव काम, पावर आईसी पे काम और आईसी पे। लास्ट डे क्या करके गए? डबल डेकर। डबल डेकर मैं जानना चाहता हूँ, लास्ट डे क्या करके गया? सर लास्ट डे डबल डेकर। डबल डेकर राहुल राज लास्ट डे डबल डेकर करके गया। बताओ कि लाइव क्या करके गए? सर लाइव 4G सीपीयू निकाला, पावर लाइव बनाया उसको। हाँ सर। एक बार राहुल के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। सर लास्ट डे अपन ने मतलब ड्यूल टेकर पर वर्क किया, क्लीनिंग प्रोसेस पूरा सर। आपने तो तीन टाइम किया ना उसको? हाँ हाँ हाँ, मेरे वो ब्लैक पेस्टेड फोन था वो मैंने खुद ऑन किया और सर को दिखाया। दिखाइए आप क्या क्या काम किया? लाइव पावर एसी और लाइव सीपीयू किया। और लास्ट डे क्या करके गए? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर लाइव क्या किया आपने? सारे टोटल लाइव किए। ईएमसी है, ईएमसी लाइव पावर सीपीयू लगाया कि नहीं लगाया? सीपीयू टोटल लगा, टोटल लगाया है। लास्ट डे क्या करके गए? डबल टेकर। डबल टेकर। तो आखिरी दिन क्या किया आपने? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर बढ़िया तरीके से। जी सर, आप किस पर? मेरे साथ लाइव क्या किया आपने? लाइव डुअल डेकर आपका लास्ट डेट डुअल डेकर किया। हाँ दोस्तों, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू। डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की? ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? कर डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर? या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? आज सर ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you.